नमस्ते छात्रों, तो हमने पहले वीडियो में देखा था जो कि छठी कक्षा की हिंदी की हमने कविता देखी थी बसंती हवा। तो बसंती हवा में हमने कुछ मुश्किल शब्द देखे थे, आज मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं और कुछ पंक्तियाँ भी हमने देखी थी और बहुत पंक्तियाँ। सबसे पहले मैं फिर से दोहराता हूँ कुछ शब्दार्थ जो कि आपको जो कि पहला मुझे तो पता है क्योंकि पहले वीडियो में मैंने ये कविता आपको शुरू में गाकर बताई है। ऐसा लगता है मुझे कि सारे के सारे छात्रों को ये बसंती हवा पाठ हो चुकी होगी, ये ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन तो फिर से दोहराता हूँ कुछ मुश्किल शब्द जो कि बसंती, बसंत ऋतु की, मस्त मोला यानी मनमोजी, अजम यानी विचित्र, झोंपरा यानी झोंका, अलसी सरसों यानी तिलन का एक प्रकार, उसके बाद अनोखी यानी निराली, उसके बाद महुआ यानी एक प्रकार का बड़ा सा वृक्ष, पहल यानी समय का एक भाग, कलसी यानी पानी रखने का छोटा सा बर्तन, पहले भी बताया फिर से दोहरा रहा हूँ, बावली सीधी सी, ये इतने मुश्किल वर्ड ये कविता में। तो हमने कुछ पंक्तियां भी देखी है जो कि यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, वह मैं आपको बताऊंगा आपको। तो कुछ पंक्तियां भी मैंने आपका उस कविता के कुछ अर्थ बताए हैं जो कि कुछ पंक्तियां मैंने आपको बताई है, वह पंक्तियों का अर्थ भी मैंने आपको समझाया है। तो आज उसके अगले जो बचे हुए जो पंक्तियां है उसके बारे में उसका जो अर्थ है वो अर्थ हम आज पढ़ेंगे और उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम कहां तक पहुंचे थे, वहां तक हम पहुंचेंगे वो फिर से मैं दोहराता हूं कितनी पंक्तियां हुई थी। तो देखिए किस प्रकार की या कौन सी पंक्तियां हुई है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर राजा हूँ हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यहाँ तक हम पहले ये पंक्तियों का अर्थ हमने पहले देखा है, उसके आगे हम चलेंगे। तो आज हम फिर से प्रारंभ करेंगे जो कि बसंती हवा को, और बसंती हवा को प्रारंभ करते हुए जो बची हुई जो पंक्तियां है उसका अर्थ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो देखिए अगली पंक्ति देखिए, आज हम कहां तक पहुंचने वाले हैं। तो अगली पंक्ति देखिए, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, क्या जो अगली बसंती हवा की जो अगली पंक्ति है, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से भी चली आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कानने को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं हो मैं लहर को बमारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा। ये पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले दो पंक्तियों का अर्थ देखेंगे, चिड़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, चिड़ी पेड़ देखिए बसंती हवा कहाँ पहुंची है, बसंती हवा मैं बताया आपको, बसंती हवा कब आती है, मार्च से मई का जो अंदर का जो कालावधि जो समय है वह समय में ये बसंती हवा आती है। तो देखिए तो अगली बंदे जो पंक्तियों का अर्थ बता रहा हूँ, चिड़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, चिड़ी पेड़ जो कि महुआ, महुआ यानी बताया एक बड़ा सा वृक्ष मैंने यहाँ पर दिया गया है, देखिए महुआ यानी एक प्रकार का बड़ा सा वृक्ष, छात्रों को भी पता होगा महुआ उसे मराठी में मऊ ये शब्द से जाने जाता है और हिंदी में महुआ उसे कहा जाता है। तो जो महुआ के जो पेड़ होता है बड़ा सा आम के पेड़ जैसा होता है, विशाल पेड़ होता है और उसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं। तो बसंती हवा कहाँ पहुंची, तो बसंती हवा सबसे पहले महुआ के पेड़ पर चढ़ी, किसके पेड़ पर चढ़ी, महुआ के पेड़ पर चढ़ी, वहां गई थपाथप मचाया यानी क्या पता है उसे बहुत हिलाया, किसे वह महुआ के पेड़ को हिलाया, तो महुआ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। फिर आपको तो बताइए जब पेड़ बड़ा सा हिलने लगता है वो उसे झुला रही है उसे नचा रही है महुआ के पेड़ को, कौन बसंती हवा, और जब पेड़ हिलता है तो पेड़ की जो टहनियां भी हिलने लगती है और टहनियां हिलती है तो आपको तो पता है तो बड़े बड़े जो पत्ते पत्तों की होने वाली आवाज यानी थपाथप, पता है आपको जब हवा जोर से जब शुरू होती है तो शुरू होने के बाद आपको पता है सब पेड़ के बड़े बड़े पेड़ के पत्ते या टहनियां हिलने लगती है और उसके पत्तों की आवाज आने लगी, तो उसी प्रकार थपाथप आवाज हो रही है, देखिए थपाथप मचाया किसे, तो सबसे पहले
महुआ के पेड़ पर बसंती हवा चली, वहां पर गए, वह महुआ के पेड़ को हिलाने लगी, रुलाने लगी, तो जो पत्तों की आवाज आई वो थपा थपा, इसी प्रकार वहां पर मातम मचा रखा था ये बसंती हवा ने। कौन से पेड़ पर गई? तो महुआ के पेड़ पर गई। अगले दो पंक्ति देखिए, गिरिधम से भी चिड़ी आम ऊपर। देखिए सबसे पहले कौन से पेड़ पर गई छात्र? तो महुआ के पेड़ पर गई, महुआ के पेड़ को हिलाया झुलाया उसे नचाया, उसके बाद वो आगे वहां से गिरी, वो उसे हिलाते हिलाते वहीं पर गिर गई। कहां गिरी? जमीन पर गिर गई। और फिर वहां से उठी, फिर और कौन से पेड़ पर चढ़ी? आम का पेड़। सबको पता है ये फिलहाल आम का ही मौसम है। आप सारे के सारे छात्र घर पर है, आप बड़े प्यार से या कभी मामा के यहाँ जाओ या कोई रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो आप वहां पर आम रस अवश्य खाते हो। तो ये आम का मौसम है। और उसी प्रकार ये जो बसंती हवा है महुआ के पेड़ से गिरी और सीधा कहां पर चढ़ी? आम के ऊपर या आम के पेड़ पर चढ़ी। उसे भी झकोरा, झकोरा यहाँ पर वर्ड दिया है मैंने, देखो झकोरा यानी झोंका देना। किसे? आम के पेड़ को भी हिलाने लगी। कौन? बसंती हवा। देखिए चढ़ी महुआ के पेड़ से नीचे गिरी, उसके बाद आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे भी झकोरा, झकोरा यानी उसके साथ झूला झूलने लगी। कौन? बसंती हवा। किसके साथ? जो आम के पेड़ के साथ झूला झूलने लगी। किया कान में को, देखिए ये कल्पना है, उसे उसके कान में कू कर वहां से वह और उतर गई और वहां से आगे कहा जाती। देखिए अभी दो पंक्ति होगा, चली आम ऊपर उसे भी झकोरा, किया कान में को उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची। देखिए उसे एक प्रकार का जो आम के पेड़ पर चढ़कर उसे उसके साथ झूला झूलने लगी और आम के पेड़ के ये काल्पनिक कल्पना कर सकते हो। ऐसी हवा किसी के कानों में आवाज नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर एक कल्पना की गई है कि हवा ने आम के पेड़ के कान में कू की। आपको तो पता है कभी कभी आप कोई साइलेंट ऐसा देखता है और कोई आकर पीछे से मारता है तो आप अचानक ये हो जाते हो, डर जाते हो। उसी प्रकार हवा ने भी आम के पेड़ के कान में कू किया और वहां से उतर कर वो भागी और आगे कहा भागती? देखिए उतर कर भागी में आगे की पंक्ति देखिए, हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूं हवा में बसंती हवा। फिर और पहले सबसे पहले महुआ के पेड़ पर चढ़ी, उसे भी थपाथप मचाया, उसके बाद आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे भी उसके साथ भी झूला झूलने लगी, उसके कान में कू गया और आगे भाग गई। अब वो आगे कहाँ पहुंची? तो गेहूं जो गेहूं होता है वो तो गेहूं के खेत में चली गई और वहां पर सारे के सारे खेत में वो नाचने लगी, झूमने लगी और सारे के सारे गेहूं को लहराने लगी। आपको तो पता है वो जैसे कि हवा की जो लहरें होती है उसी प्रकार वो सारे के सारे खेत को, गेहूं के खेत को वो क्या करने लगी? लहर, क्योंकि सारे के सारे खेत को उसने एक चक्कर मार दी। इसी प्रकार की हवा हूँ हवा में बसंती हवा, इसी प्रकार की मैं हवा हूँ, लेकिन कौन सी हवा हूँ? तो बसंती हवा हूँ। ये हुई ये सारे के सारे पंक्तियों का अर्थ है। देखिए मैं कितनी पंक्तियों का अर्थ बताया, चिड़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरिधम से भी चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में को उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर को बमारी, हवा हूं हवा में बसंती हवा। यहां तक हम जो सारी सारी पंक्तियों का अर्थ बताया। अगले कुछ पंक्तियां देखिए, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी दे कलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी, इसी हाल को पा, हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा। देखिए अनेक पहर, पहर याने यहाँ पर दिया है, देखिए पहर याने समय का एक भाग, अनेकों पहर तक, पहर दो पहर क्या, देखिए जब वह हवा जो गेहूं के खेत में पहुंची वहां पर पहर दो वहां पर वहीं पर रही और वहां से देखिए अनेकों पहर तक वही गेहूं जो लहर है जो कि गेहूं के खेतों को लहर मारने लगी, जो कि सुबह का समय हो या दोपहर का समय हो अनेक पहर तक उसी खेत में वहां पर लहर लगाती रही। कौन? तो बसंती हवा। इसी में रही मैं, इसी में यानी वही खेत में जो गेहूं के जो खेत है वही खेत में वहां पर वो रही। खड़ी देख कालसी लिए शीशे कलसी, वहां से वो आगे चली गई और वहां पर उसने देखा कि एक महिला वहां पर आप उसके सिर पर
एक कलसी ली है वहां पर बैठी है, ये ना कलसी नहीं, देखिए ले शीश कलसी मुझे पूर्वसु जी हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी इसी हार को पा हिलाए न सरसो झुलाए न सरसो हवा मु हवा में बसंती हवा हो। देखिए अनेक पहर तक वह गेहूं के खेत में लहर मारते रहे, अब उसे वहां से अचानक एक महिलाओं के सिर पर एक कलसी दिखी। क्या दिखी? कलसी दिखी। तभी बसंती हवा ने सोचा क्यों ना मैं उसे हिलाते झुलाते वह कलसी पानी की जो कलसी होती है वो गिरा दो, मुझे बहुत आनंद होगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर वह आगे को निकलती है और वह महिला को हिलाने लगती है, उसके सिर में का जो कलसी है वह गिराने लगती है और वह महिला को हिलाती है झुलाती। देखिए मुझे खूब सूझे मुझे सूझा क्यों ना मैं वह कलसी गिरा दो, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी इसी हार को पा हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। और वह कलसियों को बहुत हिलाया महिलाओं को हिलाया लेकिन वह कलसी गिरी है क्या? तो बिल्कुल नहीं गिरी। इसी हार को पा अब बसंती हवा आ चुकी है इसी हार को पा हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो। देखिए तो हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो यानी देखिए अलसी सरसो यानी एक सरसो यानी तिलहन का एक प्रकार जो कि आपको पता है तिलहन के जो बड़े बड़े पौधे होते हैं वह पौधों को एक फूल होता है पीले रंग का एक फूल होता है और वह और तिलहन जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि और सारा का सारा जो पौधा होता है हरा भरा होता है और उसके जो कि अंत को आने वाला जो फल होता है जो तिलहन का फल है वो जो खाते हो तो वह तिलहन का फल ऐसा लगता है जो कलसी जैसा आपको दिखाई देता है। लेकिन उसने वह बसंती हवा ने उसे खूब हिलाया लेकिन वह गिरे क्या? वह नहीं गिर सकता। और इसी हार को पा हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो अब बसंती हवा हार चुकी है, उसने अपनी हार मान ली है। किसने? तो बसंती हवा ने अपनी हार मान ली क्योंकि वह जो कलसी है वह बहुत हिलाया झुलाया लेकिन वो कलसी गिरी है क्या? तो बिल्कुल नहीं गिरी। इसी हार को पा हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इसी प्रकार की मैं एक अनोखी हवा हूँ लेकिन मुझसे हवा हूँ तो बसंती हवा हूँ। तो यहाँ पर ये जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल ये कवि ने लिखी हुई इतनी सुंदर कविता है ये आपको ये सारे के सारे जो कविताओं के जो पंक्तियों के अर्थ मैंने आपको बताया है। मैं आपको आपको कुछ सवाल पूछूंगा वो सवालों के आपको जवाब देने हैं। सबसे पहले पहला सवाल है आपके काफी ऊपर आपको लिखना है। सबसे पहला सवाल है आपके लिए खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? आपको पता है खेत में हवा पहुंची थी अभी मैंने बताया जब हवा खेत में पहुंची तो वहां पर पहुंचने के बाद उसने क्या किया किसको जो कि तब तक वहां पर रही ये इसका सवाल आपको लिखना है। खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया ये पहला सवाल इसका जवाब लिखना है आपको। दूसरा सवाल ये है हवा ने खेत में कब या हवा खेत में कब तक रही? जो हवा है जो कि आखिरियों के पंक्तियों में इसका आंसर जरूर है तो आपको वो बताना है। तो देखिए हवा खेत में कब तक रही और इसका भी सवाल का जवाब आपको लिखना है। और आखिरी सवाल ये है हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? देखिए जो हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया ये भी आपको इसका भी जवाब जो कि आखिरी पंक्तियों में इसका जवाब है आपको वो भी आपको जवाब लिखना है। तो इसी प्रकार ये जो बसंती हवा है ये बसंती हवा में हवाओं के जो गुण है जो कि वह ऋतु में जो कि जैसे कि आपको पता है मार्च और मई के वहां पर आने वाली जो भी हवा है जो बसंती हवा आती है तो उसके किस प्रकार के गुण होते हैं वह गुणों का वर्णन यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल ये कवि ने ये बसंती हवा में किया गया है। तो ये सारे के सारे मैंने अर्थ बताया है और यहाँ पर एक सुंदर सी जो कविता है आपको ये पाठ करने है सवालों के जवाब लिखने और ये कविता आपको स्वरलय में गानी है। ठीक है तो यहाँ पर रुकेंगे हम यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम अगला पाठ लेंगे यहाँ तक के लिए हम रुकेंगे। धन्यवाद।